ए इक्वल है आपका केमिकल है, ग्लास क्लीनर है, बाथरूम के लिए लिक्विड यूज होते हैं, ये ऑल पर्पज है, और लास्ट में एयर फ्रेशनर इधर लिखा भी होगा। ऑल पर्पज क्लीनर, ऑल पर्पज क्लीनर, ये बाथरूम का केमिकल है डस्टिंग करने के लिए, और एयर फ्रेशनर, ये नीचे लिक्विड है, इसमें इसमें बैग भरे हुए लिक्विड के। एक मिनट आपको दिखाएगा, ये लिक्विड है, उसको सेट कर दिए। क्या अभी इसमें लिक्विड भरेंगे बोतल में? ये लिक्विड की बोतल है इधर, तो उधर से लिक्विड भरेंगे। ये लिक्विड रूम है, दोनों साइड पे लिक्विड की मशीन है। ये इक्वल आपका, आपने देखा ये जॉनसन डाइवर्सी का, इधर लिखा है जॉनसन डाइवर्सी R1, R2, R3, R5। तो लिक्विड को रिफिल करेंगे हम लोग। चारों चारों बॉटल उठा के उसके नीचे रख दे, सेम टू सेम, जिधर जिधर का बॉटल है उधर, ऑल पर्पस के, ऑल पर्पस के ग्लास क्लीनर है, ग्लास क्लीनर के नीचे रख, और ये जो ग्रेस कटर को साइड में रख दे, एयर फ्रेशनर है। एक काम करेंगे, वो उसमें डाल के लिक्विड को रिफिल करने का है, तो एक लिक्विड को रिफिल, ग्लास क्लीनर भर पहले, ग्लास क्लीनर इधर, ये उसको प्रेस करेगा अंदर, दो ऑटोमेटिक लिक्विड आएगा, बस 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 फुल हो गया। हाँ, साइड में रख दिया, अभी बाथरूम क्लीनर को डाल दिया, ऊपर प्रेस कर दिया, और ये ऑल पर्पज है, प्रेस करो। ऐसे सब लिक्विड भरने के बोतल में, बाद में कैडी में रखने के। ये कैडी, तो कैडी का सेटअप देखेंगे हम लोग, कैडी कैसे सेट करते हैं।